सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज से गाइस हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड को। ये हमारे गेम की शुरुआत होगी और सभी लोग इस गेम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं पोकेमोन स्वॉर्ड से स्टार्टिंग करने वाला हूँ। ये गेम मुझे काफ़ी टाइम से खेलना था और फाइनली गाइस हम इसे आज से शुरू करने वाले हैं। मैं सच में इस गेम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आगे क्या होने वाला है तो यहाँ पर मैं कैरेक्टर में चूज़ करूँगा पहला वाला। वैसे तो सेकेंड वाला काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा है, पर मैं वही लुक चूज़ करूँगा यार जो मेरे जैसा है, तो मैं फर्स्ट वाले के साथ में जाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर गेम शुरू हो चुका है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। नाइस, यहाँ पर शुरुआत हुई है पोकेमोन के स्टेडियम से। काफ़ी कमाल के ग्राफिक्स हैं। और ये रहा चेयरमैन रोज। वेलकम वन एंड ऑल, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोकेमोन। ओके यार, यहाँ पर ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा कूल हैं, रियली काफ़ी ज़्यादा। अवर बिलव्ड गलार रीजन इज़ अ वंडरफुल प्लेस विथ थ्राइविंग नेचर। ओके, तो भाई ना ये काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा है मुझे। ब्यूटिफुल सिटीज़ एंड मैनी पोकेमोन। ओके, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है जैसे कि बाकी के गेम्स में होता है। वहाँ पर बस बात इतनी होती है कि वहाँ पर प्रोफेसर ओक होते हैं और यहाँ पर चेयरमैन रोज है। और यार यहाँ पर ना ये पोकेमोन देखने से लग रहा है जैसे कॉपर राजा का छोटा वाला एवोल्यूशन हो। मुझे पता नहीं है कॉपर राजा भी ऐसे कुछ है। ओके, मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बताना, क्या ये कॉपर राजा का एवोल्यूशन है, मतलब छोटा वाला। ओके, तो यहाँ पर पक्का यार मुझे लगता है ना लियोन आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मुझे लियोन की बैटल देखने को मिलेगी। ओके भाई, सच में कमाल का ही ये गेम। ओके प्लीज़ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई नो यार, माई नेम इज़ रोज़। जैसे कि मुझे पता ही था ये रोज़ है, और जहाँ तक मुझे याद है यार इस गेम में इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, इट्स टाइम फॉर चैम्पियन लियोन एग्जीबिशन मैच। वाओ, मुझे लगा ही था यार, ओ माई गॉड, तो यहाँ पर लियोन आ चुका है। ओ काफ़ी ज़्यादा कमाल की एंट्री हुई लियोन की। और ये रहा उसका ओपी चार्जार्ड। वाओ, ऑलमाइटी लियोन, इसका मैच होने वाला है। और ये रहा रायहान, काफ़ी ज़्यादा कूल है यार रायहान भी। ओके, और उसका डोराला डॉन, दोनों लड़ने वाले हैं यहाँ पर। मुझे यार इन दोनों की यही बात अच्छी लगती है, मतलब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। और ये हुआ डायनामैक्स चार्जार्ड। ओ पी रियली जाइगेंटामैक्स चार्जार्ड। नाइस भाई, काफ़ी ज़्यादा कमाल का है ये। और गाइस, तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है पोकेमोन सॉल्ड। वाओ, काफ़ी ज़्यादा कमाल का इंट्रोडक्शन था, शुरुआत काफ़ी ज़्यादा कूल थी। और ये रहा वूलू। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आई थिंक ना, ये हमारे मेन कैरेक्टर का घर है। ओके, और ये कौन है? ये आई थिंक हॉप है, जहाँ तक तो मुझे लगता है ये हॉप था। ओके, तो आ चुके हैं हम घर में। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया घर है, किसका है? ओके, तो ये रहा हमारा कैरेक्टर। नाइस, हम यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। पता नहीं ये फ़ोन चला रहा है या तो गेम्स खेल रहा है, आई डोंट नो, देखते हैं। हेलो हेलो, अच्छा हॉप यहाँ पर आ गया। ओ दैट योर फ्लैश न्यू फोन हनी। अच्छा, तो इसे न्यू फ़ोन मिला है। वर यू वॉचिंग लीज एग्जीबिशन मैच ऑन इट, बट यू कैन चीयर हिम ऑन विथ योर हैंड्स फुल। यू नो द ओनली वे टू प्रॉपरली चीयर ऑन ली वुड बी विथ हिज फेमस चार्जार्ड पोज। वैसे गाइस यार वो पोज काफ़ी ज़्यादा कूल है, मैंने भी एक बार ट्राई किया था रियली यार। मैंने वैसे पोज में एक फ़ोटो भी खिंचवाई थी, काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहे थे, पर लियोन जितने भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये रही हमारे कैरेक्टर की मॉम। और अच्छी बात तो ये है कि हॉप हमारा एक फ्रेंड है, और हो सकता है ये हमारा राइवल भी हो, आई डोंट नो, बाद में देखेंगे। आई थिंक यार हॉप, जहाँ तक मुझे पता है ना, हॉप लियोन का छोटा भाई है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला ट्रेनर भी काफ़ी ज़्यादा कूल बनने वाला है, बड़े होकर ये भी लियोन के जैसे बनेगा, पर इसे चैलेंज करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके, तो हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, हमारी बातचीत तो हो चुकी है। और ये रहा कैरेक्टर हमारा। भाई उठ जा, आराम से फ़ोन लेकर बैठा हुआ है, मैं फिर से नहीं बैठ सकता। ओके, तो यहाँ से सेव खोल सकते हैं। ओके, तो मुझे कंट्रोल्स देखने होंगे, ये रहे। नाइस, काफ़ी बढ़िया तरीके से। वाओ यार, काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा है। रियली मुझे इसके ग्राफिक्स ना बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, और एकदम से यार, मतलब हम जो भी गेम्स खेलते हैं और उनके बाद में इन गेम्स को खेलना काफ़ी ज़्यादा कूल है। ओके, तो हमें हमारी हैट वगैरह लेनी होगी और बैग, तो वो साइड में होंगे आई थिंक। ओके, तो जाकर ले लेते हैं, कहाँ पर होंगे? ओ ये रहा बैग, तो यहाँ से उठा लेते हैं। ओके, हमें बैग मिल गया है। ओ भाई, इतना बड़ा बैग। ओके, भारी भरकम बैग है।
और काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं हम। वाओ, तो अब हमें ना यहाँ से बाहर जाना चाहिए। ओपन द एक्स मेन्यू बाय प्रेसिंग एक्स बटन, यू कैन सेव योर प्रोग्रेस बाय सिलेक्टिंग सेव। ओके, तो यहाँ पर ये सब गाइड वगैरह दी गई है, तो मैं समझ चुका हूँ कैसे करना है। हम इसे सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या पिकाचू काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ से बाहर चलते हैं। आई थिंक यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, जो भी हमें कुछ करना था यहाँ सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ से बाहर जाना, और मंचिलैक्स भी है यार यहाँ। तो मुझे जाने से पहले एक बार मॉम से बात कर लेनी चाहिए, देखते हैं। ओ डोंट यू लुक एट रीड, आई नो दैट बैग वुड सूट यू, नाउ हरी अलोंग, हॉप इज वेटिंग। अच्छा, हॉप हमारा बाहर वेट कर रहा है, देखते हैं बाहर चल के। ओके, तो यहाँ से जाना है, और ये रहा पूरे का पूरा गलार रीजन का मैप। वाओ, और बाहर आ चुके हैं हम। वाओ, काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा है यार सब कुछ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ आगे के लिए। देखते हैं हम कौन से पॉकीमोन को चूज़ करने वाले हैं। मुझे आगे मेरा फर्स्ट पॉकीमोन भी मिलेगा, तो यहाँ से चलते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर जाना, ये रहा। हा हा हा, हैव अ लुक एट यू हनी, दैट ओल्ड बैग लुक्स लाइक इट कुड पुल यू ओवर, एट लीस्ट वी नो दैट इट शुड होल्ड एनीथिंग लीज माइट ब्रिंग इवन इफ इट्स अ बिग। ओके, तो यार मुझे लगा ही था ये बैग ना बहुत ओल्ड फैशन वाला है। और ये क्या कर रहा है यार बोलू। अच्छा, ये इस गेट को तोड़ने की कोशिश में है, पर क्यों भाई, वहाँ पर क्यों जाना है इस बुलू को। ओ भाई, क्या कर रहा है ये, यू सिली बुलू। ओ भाई, क्या करे जा रहा है ये, पता नहीं क्यों तोड़ने के चक्कर में वहाँ पर नहीं जाना है। बंद है वो गेट, बाद में चलेंगे, देखते हैं वहाँ पर क्या है। ओ, तो वहाँ पर स्लम्बरिंग वील्ड है, और इन्हें लगता है वहाँ पर कोई वाइल्ड पोकेमोन है स्कैरी सा। पर जहाँ तक मुझे याद है यार, वहाँ पर तो मेन पोकेमोन्स हैं जैशियन और जेमजेंटा, तो वहाँ जाना तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा। तो यहाँ पर हमें इसके पीछे जाना है। ओके, तो चलते हैं हॉप के पीछे। ये वूलू मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया यार, काफ़ी ज़्यादा फनी भी था। मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ओ भाई, काफ़ी बढ़िया तरीके से दिख रहा है सब कुछ यार, एकदम कमाल का। वाओ, मुझे सच में यार इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद यार, पता है मुझे फ्यूचर के पोकेमोन गेम्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। पता नहीं वो लोग कितने कमाल के गेम्स को लाने वाले हैं। ओके, तो हम अंदर आ चुके हैं। और ये कौन है, आई थिंक ये हॉप की मॉम है। ओके मॉम, इज ही हेयर, देयर यू आर एट लास्ट हॉप। ओ एंड यू ब्रॉड अलोंग हनी, हेलो डियर। या बट वेयर इज ली, हैव यू गॉट हिम स्क्रैम्ड इन अ कप हैट, ही इज स्टिल नॉट हेयर येट फॉर द 100th टाइम, ऑनेस्टली हॉप यू मस्ट लर्न सम पेशेंस। अच्छा, तो यहाँ पर लियोन नहीं है, हम उसके पास में जाना होगा, देखते हैं वो कहाँ पर है। अब लियोन यार इतना बड़ा ट्रेनर है, तो उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती होगी, और वो रियली इतना ज़्यादा बिजी होता होगा। सच में वो एक चैम्पियन के साथ में कोई स्टार से कम नहीं है, समझ लो यार वो पोकेमोन वर्ल्ड का शाहरुख खान है। रियली सच कहूँ तो ऐसे ही कुछ है। ओके, मैं बिल्कुल साथ में आना चाहूँगा चैम्पियन को देखने के लिए, अनडिफीटेड चैम्पियन, नाइस। वैसे यार मुझे लियोन का कैरेक्टर ना सच में पसंद आया है। अगर यार हम उसे रियल लाइफ के किसी भी पर्सन से कंपेयर करें, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें वो किसके जैसा लगता है, तुम्हें उसे देखकर किसकी याद आती है। मुझे तो सच में यार वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं दिखता। ओके, ये रहा हॉप, और आई थिंक यहीं कहीं होगा। लेट्स गेट अ मूव ऑन। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हमें घास में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड पोकेमोन्स होंगे। इसके पास में तो पहले से एक वूलू है, तो ये जा सकता है, और मतलब कोई भी बैटल भी कर लेगा। पर हमारे पास में फ़िलहाल तो कोई पोकेमोन नहीं है, इसलिए हमें वहाँ जाने से बचना है। तो मैं सिंपली सीधा सीधा जाने वाला हूँ। आई थिंक वहाँ पर कोई भी घास नहीं है, देखते हैं जाके। तो यहाँ पर तो मुझे सब कुछ दिख रहा है, राइट साइड में घास है, और हम आ चुके हैं रूट नंबर 1 में। मुझे सीधा सीधा जाना है, क्योंकि साइड में घास है, तो वहाँ पर मुझे बचना होगा। ओके, तो सामने तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, पक्का वहाँ पर कुछ हो रहा है, देखते हैं। ओके, तो ओ भाई यहाँ पर कौन, ओ यहाँ तो लियोन है। अच्छा, तो लियोन यहाँ पर था, मतलब उसका इंटरव्यू टाइप का चल रहा है, पता नहीं क्या है, देखते हैं। ओके, और ये रहा हमारे लियोन का काफ़ी कमाल का पोज, हमेशा की तरह, जिसे मैंने भी ट्राई किया था। ओके, ओ माय गॉड, देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है यार ये बंदा सच में। हेलो हेलो, ओके भाई हो गया, योर चैंपियन लियोन इज बैक, आई प्रोमिस आई कीप डूइंग माई बेस्ट टू डिलीवर द ग्रेटेस्ट बैटल्स फॉर यू ऑल टू वॉच। इट्स अवर अनबीटेबल चैम्पियन लियोन, यू एंड चार्जार्ड। ओके, वेल थैंक यू फॉर दैट।
I hope you all carry on training up your Pokemon and never shy from battle. Then come challenge me for the champion title. बिल्कुल यार, एक दिन तो हम लियोन को चैलेंज करने ही वाले हैं और ये मेरी सबसे ग्रेटेस्ट बैटल होने वाली है। मुझे लियोन को यार चैलेंज करके जल्दी से हराना है। सच में ये कमाल की बैटल होगी। दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेनर को हराना सच में एक कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बेहतर ट्रेनर है यार, जो आज तक नहीं हारा। और इसके पीछे का एक रीज़न तो 460 भी है सच में, क्योंकि उसका 460 ना तुम सभी को पता है कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे भी यार उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई होगी उसको। और ये रहा वो, इसका जैगेंटामैक्स फॉर्म तो यार मतलब एक ऊपर ही लेवल का है सच में। पूरे जैगेंटामैक्स फॉर्म में अगर तुम लोग देखो तो 460 का जैगेंटामैक्स कूल है। ओके, तो ये रहा उसका छोटा भाई और ये आ चुका है अपने भाई के पास में। लुक एट यू होप, आई रेकॉन यू ग्रोन एग्जैक्टली ऑन इंच एंड अ क्वार्टर सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। बिंगो, दैट्स द शॉट ऑफ शार्प आई दैट्स कीप्ड यू अनडिफीटेड सो लॉन्ग एली एंड दीज ब्राइट आईज ओवर हियर। आई गॉट इट, यू मस्ट बी हनी, आई माई राइट? बिल्कुल। आई हैड लॉट्स अबाउट यू फ्रॉम माई लिटिल ब्रदर। आई एम द गलार रीजन ग्रेटेस्ट एवर पोकेमॉन चैंपियन एंड अ मासिव चार्जार्ड फैन टू। पीपल कॉल मी द अनबीटेबल लियोन। कम ऑन ली एंड यू हनी, बैट आई कैन बीट द बोथ ऑफ यू बैक होम। दैट हॉप ऑलवेज वॉन्टिंग टू बी द बेस्ट इज इन ही विद अ प्रॉपर राइवल ऑफ हिज ओन। आई बैट ही पुश हिमसेल्फ टू बिकम समथिंग ट्रूली स्पेशल। ओके वेल एवरी वन, आई बिड यू फेयरवेल फॉर टूडे। ओके, तो देखने से लग रहा है लियोन अपने कमाल के पोस्ट के साथ में यहाँ से जाने वाला है और हम भी साथ में जा रहे हैं। वैसे ना हमें पोकेमॉन मिलने वाला है, मुझे लगता है यार मुझे पोकेमॉन मिलेगा रियली, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, तो हम आ चुके हैं वापस उसी घर में लियोन वाले। कम ऑन ली, यू प्रोमिस अस अ प्रेजेंट सो आउट विद इट। यू ब्रॉड हनी एंड मी पोकेमॉन, यू डिडंट यू? आई नो यू मस्ट हैव। ओके, तो यहाँ पर हमें पोकेमॉन मिलने वाला है, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट चैंपियन, इट्स शो टाइम एवरीवन। तो यहाँ पर भाई हमें हमारे स्टार्टर पोकेमॉन मिलने वाले हैं। वाओ, हम दोनों को ही मिलेगा, एक हॉप को एक मुझे। टेक अ गुड लुक। अच्छा है, ये तीनों पोकेमॉन हमें दिखाने वाला है। और ये रहे ग्रूकी ग्रास टाइप पोकेमॉन, और ये रहा स्कॉर्बनी फायर टाइप, और ये सोबल वाटर टाइप। तो यार मैं किसको चूज करूँ, तीनों ही सच में कमाल के हैं रियली, मुझे तीनों के तीनों पसंद है। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर आ चुका है कमाल का स्कॉर्बनी, भाई देखो यार इसे। ओके, और ये रहा सोबल, और ये रहा हमारा ग्रूकी, बहुत क्यूट है यार ग्रूकी। एनीवेज देखते हैं हम कौन सा लेने वाले हैं। वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं ग्रूकी को लूँगा, और ग्रूकी या तो स्कॉर्बनी में से किसी एक को, मुझे दोनों ही पसंद हैं। ओके, ये सोबल रोने लगा, और ये प्यारा सा ग्रूकी, और ये रहा स्कॉर्बनी, और ये रहा हमारा लियोन। ठीक है, मतलब तीनों ही पोकेमॉन इसके पास थे रियली। वाओ, इसके पास में तीनों के तीनों पोकेमॉन है, और मुझे इनमें से किसी एक को चूज करने का चांस मिल रहा है। भाई हॉप नहीं चूज करने वाला क्या? देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, तो यहाँ पर अच्छा, तो इसके पास में पहले से ही वूलू है हॉप के पास में, तो वो कह रहा है कि पहले हम चूज कर लेते हैं। उसके पास में तो पहले से एक पोकेमॉन है, तो यार मुझे कौन सा चूज करना चाहिए? यहाँ पर तीनों ही कमाल के हैं। मुझे यार वैसे ग्रूकी पसंद है, सच में मुझे ग्रूकी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, पर मैं ऑब्वियसली स्कॉर्बनी को लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये भी पसंद है। मैंने पहले से ही सोच कर रखा था मैं स्कॉर्बनी को लेने वाला हूँ, मुझे फायर टाइप पसंद है, और यार ये तो एकदम कमाल का ही है, इसका एवोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हमारी टीम में स्कॉर्बनी ऐड हो चुका है। देखते हैं मुझे फ्यूचर में और कौन कौन से पोकेमॉन मिलेंगे। और ये रहा हमारा कमाल का पोज, पता नहीं मुझे और कितने पोकेमॉन्स मिलने वाले हैं सच में इस जर्नी में ना, हम कमाल के पोकेमॉन की टीम बनाने वाले हैं। और ये अच्छा, हॉप ने अपने ग्रूकी को चूज किया है, अच्छी बात है, मतलब हमसे कमज़ोर पोकेमॉन। तो बचेगा लास्ट में सोबल बचेगा ना, ठीक है देखते हैं सोबल का क्या होगा। और ये रहा ग्रूकी, वैसे तो हमारा राइवल हमसे कमज़ोर होगा क्योंकि यार उसने हमसे कम वाला पोकेमॉन लिया है, उसके पास में टाइप का एडवांटेज नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर मेरी बैटल हॉप से हुई, उसके पास में ग्रूकी हुआ और मेरे पास में ऑब्वियसली मेरा स्कॉर्बनी, तो हम जीतने वाले हैं, देखते हैं। और ये रहा सोबल, अरे यार बेचारे के लिए मुझे सच में सैड फील हो रहा है। आई रियली, ओ माय गॉड, तो यहाँ पर यार लियोन चूज करेगा सोबल को रियली। ओ माय गॉड, तो मतलब यार ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है।
और यार फ्यूचर में मेरे सामने एंटीलियन से होगा, ये तो कन्फर्म है। ओके देख लेंगे, फाइनल बैटल काफ़ी ज़्यादा कमाल की होगी। तो यहाँ पर पार्टी वार्टी हो रखी है। अच्छा ये कल निकलने वाले हैं तो शाम को यहाँ पर पार्टी हो रही है। गाइज मुझे तुम लोग कमेंट्स में बताना क्या हम इसका सेकेंड एपिसोड लाएं, मतलब हम इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तुम्हें ये गेम कितना ज़्यादा पसंद है? अगर गाइज यार तुम लोगों ने इस वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे लाइक्स करे ना तो हम जल्दी से जल्दी सेकेंड एपिसोड भी खेलेंगे, इसलिए यार लाइक की बटन को भी क्लिक कर ही देना। यू स्पेंड द होल नाइट विद द न्यू पार्टनर ऑफ योर्स राइट होप यू टू गेटिंग ऑल राइट अंडरस्टैंडिंग वन अनादर मे बी इवन बिल्ड अप अ बिट ऑफ लव। अच्छा तो यहाँ पर यार पूरा का पूरा एक दिन हो चुका है, इन्होंने यहीं पर एक दिन बिता लिया अपना और ये दूसरा दिन है। हमने पूरा एक दिन बिता लिया है अपने पोकेमोन के साथ में, पर यार एक दिन में कितना ज़्यादा हम समझेंगे पोकेमोन को ये तो बाद में ही पता चलेगा आने वाले टाइम में कि हमारा पोकेमोन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। सच में जब हम उनके साथ में ट्रेनिंग करेंगे, उनके साथ में अपने एडवेंचर में जाएंगे तब पता चलेगा और तब हमारा रिलेशन अपने पोकेमोन के साथ में स्ट्रांग होने वाला है। इफ़ यू थिंक हनी माइट बी एबल टू चैलेंज यू देन आई गेस ही इज़ माई फर्स्ट राइवल बट आई एम नॉट प्लानिंग टू लूज टू हिम एंड मिस आउट ऑन माई चांस टू बीट द अनबीटेबल चैम्पियन। ओके जस्ट हैविंग अ पोकेमोन विद यू डजंट मेक यू आर रियल ट्रेनर यू नो। अच्छा प्रॉपर ट्रेनर्स राइज देयर पोकेमोन अप टू बी फर्स्ट रेट इन बैटल। अच्छा गाइस तो यहाँ पर ना मतलब जो उसका भाई है लियोन का हॉप, वो भी लियोन को चैलेंज करना चाहता है, मतलब उसे भी हराना है अपने बड़े भाई को, उसे भी एक अनबीटेबल चैम्पियन को हराना है। और यार उसके बीच में हम आने वाले हैं क्योंकि हमें भी लियोन को हराना है, तो हमारा राइवल ऑब्वियसली हॉप होने वाला है। पर यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कम से कम ये पॉल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पॉल या गैरी के जैसे जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, ये काफ़ी सही बंदा है। लुक्स लाइक एवरीवन ऑन बोर्ड पोकेमोन एंड ट्रेनर्स अलाइक देन लेट्स डू दिस। तो यहाँ पर हमारी हॉप से बैटल होने वाली है और हॉप यहाँ पर कह रहा है कि उसने लियोन का हर एक मैच देखा है, जहाँ तक कि उसने हर एक मैगजीन भी पढ़ी है, तो उसे पता है कैसे जीतना है। ओके तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट बैटल शुरू हो चुकी है हॉप के खिलाफ में, जो कि हमारा राइवल है। शॉर्ड एंड शील्ड की हमारी पहली राइवल बैटल सच में कमाल की होने वाली है। पहला पोकेमोन उसका है वुलू और हमने स्कॉर्बिनी को चुना है। उसके पास में तो यार दो दो पोकेमोन्स हैं, हमारे पास में सिर्फ एक ही, बट कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा नाइंसाफी है यार। चलो देखते हमारे पास में कौन से अटैक्स हैं, सिर्फ दो ही अटैक। यहाँ पर कम से कम मुझे एम्बर तो मिलना ही चाहिए था, कोई बात नहीं हम टैकल का यूज़ करते हैं, उसका लेवल 3 का ही है वुलू। ओ तो यहाँ से हमारी ज़्यादा हेल्थ नहीं जाएगी। ओ पहली क्रिटिकल हिट भाई, पहला अटैक वो भी क्रिटिकल हिट, कोई बात नहीं यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ टैकल का ही यूज़ करना होगा। और फाइनली हमने भी क्रिटिकल हिट से उसे ख़त्म किया, हॉप भी सरप्राइज हो गया है आखिर ये हुआ कैसे। ओके तो यहाँ पर पहला पोकेमोन तो ख़त्म है, अब सेकंड पोकेमोन आने वाला है ग्रूकी, देखते हैं। ओ तो स्कॉर्बनी का लेवल 6 भी हो चुका है यहाँ पर और हमें एक नया अटैक मिला है एम्बर। अब यार यहाँ पर हॉप के पास में उसका लास्ट पोकेमोन है ग्रूकी, देखते हैं। वैसे तो एम्बर से ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, मुझे नहीं पता था यार इतना जल्दी लेवल अप होगा और इतनी जल्दी एम्बर मिल जाएगा। सच में सिर्फ एक पोकेमोन को हराने के बाद में हमें एम्बर मिल गया, देखते हैं। ओ हाँ हमें टाइप का एडवांटेज के बारे में भी पता है। सच में ग्रूकी के पास में अभी सिर्फ स्क्रैच ही है, फिलहाल उसका लेवल अप नहीं हुआ इसलिए उसे कोई मूव नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही उसका लेवल अप होता है उसे भी कोई अच्छा सा मूव मिल ही जाएगा। एनीवेज यहाँ पर हमने हमारी पहली बैटल जीत ली है, हमने उसके दोनों पोकेमोन को आसानी से हरा दिया। मैंने सोचा नहीं था ये बैटल इतनी ज़्यादा ईजी होगी। एनीवेज यहाँ पर स्कॉर्बिनी का लेवल 7 हो गया पहली ही बैटल में, वाओ। तो यहाँ पर हॉप हार चुका है यार उसकी पहली बैटल। ओके तो ये तो कमाल की चीज़ थी यार, हमने हॉप को हरा दिया और हमें 400 रुपीज़ भी मिले हैं। अब पता नहीं इनके यहाँ पर रुपीज़ कहते हैं पोकेमोन वर्ल्ड में या कुछ और। वेल दैट वॉज अ शॉक गेस, आई नो नाउ वाई ली थॉट ही शुड गिव यू अ पोकेमोन टू यू एंड योर पोकेमोन ऑल फॉर हार्ड मेड मी ऑलमोस्ट वॉन्ट टू लेट अवर चार्जार्ड एंड जॉइन इन ऑल द फन गुड एफर्ट्स आउट देयर स्कॉर्बिनी वाई डोंट आई गेट यू ऑल सॉर्टेड। भाई यही बचा था देखने को, ये बंदा कह रहा है इसका भी मन कर रहा था कि अपने चार्जार्ड को निकाल कर हमसे बैटल करे। रियली यार हम बच्चों से बैटल करेगा, इतना पावरफुल ट्रेनर सच में। ओके आई ऑलरेडी वॉन्ट टू गेट स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर यू सीन मी बैटल नाउ ली सो कम ऑन यू गॉट अ लेट मी टेक ऑन द ओ जिम चैलेंज। तो इतनी जल्दी तो नहीं यार जिम चैलेंज आसानी से नहीं होने वाले, इन कॉम्पिटिशन को लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमें इसके लिए पहले बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी।
एंड गाइस मुझे एक कमाल की पोकेमोन की टीम बनानी है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कौन सी पोकेमोन की टीम बेस्ट रहेगी। रियली मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है, तो जाकर मुझे कमेंट्स में बताओ कौन से पोकेमोन बेस्ट होंगे हमारे एडवेंचर के लिए, जाके मुझे ये चीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। इससे यार मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और तुम्हारे पास में कोई टिप्स तो इस गेम को लेकर तुम वो सब भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तुम्हें जो भी कुछ पता है कोई सीक्रेट्स वगैरह तो मुझसे शेयर करना कमेंट्स में, और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी बता सकते हो। जाना मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करना और मुझे वहाँ पर बताना, वहाँ पर यार हम काफ़ी सारी चीज़ों को शेयर करते हैं और काफ़ी सारे लोग यार मुझे बहुत सारी चीज़ भेजते हैं। तो जाना, अगर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पता हो तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम में बता सकते हो, या तो चाहो तो नीचे कमेंट्स में बता देना। एनीवेज यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो चुका है, अब मुझे अपने वापस घर में जाना होगा, मॉम को बताने के लिए हम बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये रहा कैरेक्टर हमारा, मुझे सेव करना होगा। ओ फिर से क्रैश। हनी डिड यू हियर दैट जस्ट नाउ? तो यहाँ पर क्या हुआ? ओके, तो वो गेट टूट चुका है। ओह माय गॉड, गेट खुल गया, मतलब पक्का उस वूलू ने गेट को खोल ही लिया। भाई मुझे लग ही रहा था वो कुछ ना कुछ करने वाला है, और उसने सच में गेट को खोल लिया। तो क्या यार हम सच में स्लम्बरिंग वील्ड में जाने वाले हैं इतनी जल्दी? रियली यार मुझे वहाँ पर लेजेंडरी पोकेमोन्स मिलने वाले हैं, मैं सच में एक्साइटेड हो रहा हूँ। हाँ भाई हम जाएंगे बिल्कुल, यस वी गॉट टू सेव इट नाउ। भाई सच में यार मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमें लेजेंडरी पोकेमोन देखने को मिलने वाले हैं। मुझे पता है कि स्लम्बरिंग वील्ड में हमें जैशन जमेजेंटा देखने को मिलेंगे, तो सच में मज़ा आने वाला है। एनीवेज गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर तुम्हें इसका एपिसोड 2 देखना है और तुम चाहते हो कि मैं इस एडवेंचर को कंटिन्यू रखूं, तो जाकर वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक कर ही देना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो हमारे और भी गेम प्लेस के लिए, हमारी जर्नी में जुड़ने के लिए। हम यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन के गेम्स खेलते हैं, और अगर तुम्हें कोई और पोकेमोन का गेम देखना है तो हमारे चैनल में देख सकते हो। एनीवेज गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।